में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा, पीएम मोदी आज बताएंगे नई शिक्षा नीति से कैसे मिलेगा बच्चों को फायदा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना जागरूकता पोस्टर को किया लॉन्च, पार्टी के पदाधिकारी सार्वजनिक जगहों पर जाकर करेंगे जनता को जागरूक। कोरोना को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट, 17 सितंबर तक सरकार दे अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा। उत्तराखंड पर भारी पड़ रहा है अनलॉक, 8000 के पार पहुंचा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। उत्तराखंड के लिए अगले 72 घंटे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 7 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में 25 अगस्त तक बंद रहेगा बद्रीनाथ हाईवे, केदारनाथ जाने वालों का कोविड टेस्ट अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नैनीताल झूले में सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से प्रीतम सिंह ने सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा करी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में वर्चुअल संवाद किया जाएगा, जिसमें एक मौजूदा वर्चुअल सम्मेलन तैयार कर माध्यम से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम साथियों से, जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में कोरोना का जो संक्रमण है वो बड़ी तेजी के साथ देश में, और जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में कोरोना का जो संक्रमण है वो बड़ी तेजी के साथ देश में और उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है, और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम किस तरीके से अपने साथियों से संवाद स्थापित करें, इसके लिए हमने वर्चुअल सम्मेलन। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में देर रात भीषण आग लग गई। भीषण आग से लाखों के भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आग से जनमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। आश्रम में कई भवन ऐसा की भेंट चढ़ गए और उसमें रखा लाखों का सामान भी स्वाहा हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत से उस वक्त हुई बारिश के बाद आग पर काबू पाने में आसानी हो गई, जिसके बाद प्रशासन को सूचित कर दिया गया। अब सुबह ही आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम घिन्ना खेड़ा निवासी एक युवक ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गुरुवार को अचानक उसकी 6 वर्ष की बेटी कहीं चली गई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी और बेटे ने जब उसे ढूंढा तो वह पड़ोस में ही रहने वाले रवि के घर में बेशुद्ध हालत में मिली थी। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने आईटीआई थाना पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़ित मासूम के पिता की तहरीर पर आईटीआई थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया है। थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, ग्राम गिन्नी खेड़ा। वहाँ से एक सूचना मिली थी हमें कि 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला है, तो उसके पिता के द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हमने आगे कार्रवाई की है, उसको मेडिकल करवा दिया गया है। बाकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विधानसभा में बाल विकास विभाग की वर्चुअल बैठक करी गई, सभी संबंधित विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत करी गई। समीक्षा में विकास कार्यों में संबंधित कामों को लेकर चर्चा करी गई। सड़कों पर भीख मांगते बच्चों और नशों के खिलाफ अभियान चलाने व पीड़ित महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा को लेकर अहम फैसले बैठक में लिए गए।
सभी का स्वागत करते हुए मैं मैडम का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोरोना के टाइम में, देखिए ऐसे बच्चे जो भीख मांगते हैं या ऐसे बच्चे जो कि नशे के किसी प्रकार से भी आदि हो गए हैं, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसी हमारे पास में यदि सूचना मिलती है उन्हें उस सूचना के आधार पर संबंधित जिलाधिकारी या संबंधित एसएसपी को सूचना भी दी जाती है। कोशिश हमारी ये रहती है कि इन बच्चों को किस तरीके से हम नशा मुक्ति केंद्र में जो है हम लोग भेज सकें। देवस्थानम बोर्ड की भंग किए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता चला जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने 9 दिन से क्रामिक अनशन पर बैठे हैं और सरकार के फैसले का विरोध करते हुए केदारनाथ धाम में भवनों और धर्मशालाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ से आक्रोशित हैं। तीर्थ पुरोहित केदारनाथ मंदिर परिसर में धरना देते हुए रैली निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 माह से केदारनाथ धाम में अर्धनग्न अवस्था में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने अब समाधि लेने का निर्णय ले लिया है। उनका ये कहना है कि सरकार ने जल्द से जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के साथ ही केदारनाथ धाम में स्थित उनके भवनों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की और धाम में लागू केदारनाथ मास्टर प्लान को वापस नहीं लिया तो केदारनाथ मंदिर के पीछे समाधि ली जाएगी। प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं, सरकार के द्वारा जो जबरन केनाथ के नाम मास्टर प्लान छुपा जा रहा है, हम जो है उसका पुरजोर विरोध ही नहीं घोर विरोध करते हैं। हम सरकार से गुजारिश से प्रार्थना करते हैं सरकार तुरंत इस मास्टर प्लान को वापस दे और हमारे अधिकारों का, हमारे जो अधिकार है उनका शोषण न करें, यही हमारी प्रार्थना है। अग्रिम हमारा ये निर्णय रहेगा, आंदोलन की कार्रवाई एक बार हम भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद जो है जैसे सब लोगों से बात विचार करके, चारों धामों के लोगों से बात विचार करके, उसके बाद हमारी बिल्कुल समाधि की तैयारी है। एक बार बीच में भी थी, फिर लोगों से बातचीत करके थोड़ा हमने कोल्ड का निर्णय का इंतजार था हमें, वो निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया, काफ़ी नाखुश हुआ। उसके बाद जो है कि हमारा यही निर्णय है कि हम आगे अगर नहीं भी होगा हम समाधि लेंगे। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल लारा ने बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस भेंट करी है। आपको बता दें कि बाजपुर के सरकारी अस्पताल में पिछले लंबे समय से खराब एम्बुलेंस को बार बार सही कराकर प्रयोग में लाया जा रहा था, जिससे मरीजों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था और एम्बुलेंस उपलब्ध ना हो पाने के चलते लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता था, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध करवाए जाने की मांग की जा रही थी। और अब इसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल लारा ने सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट करी है। एम्बुलेंस को यशपाल लारा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में आने वाले गंभीर घायल मरीजों को रेफर करने के लिए एम्बुलेंस की कमी थी, जिससे लोगों को अधिक पैसा खर्च करना पड़ता था और प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता था। सरकार ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दी है। फिलहाल क्या है कि एक यहाँ पर ज़रूरत थी एक एम्बुलेंस की, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो यहाँ की जनता है उनको असुविधा होती थी, गंभीर रोगी को बाहर ले जाने के लिए अन्य अस्पतालों में या जलपथ से बाहर उनको ले जाने में निश्चित रूप से काफ़ी कठिनाई होती थी उन लोगों को जो उनके रोगी हैं, जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अन्यत्र ले आना पड़ता था। उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी।
नैनीताल होटल व्यवसायियों ने समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विधायक संजीव वार्रा के तल्लीताल अम्बेडकर भवन में वार्ता करी। होटल व्यवसायियों ने विधायक संजीव वार्रा को कोविड 19 के कारण उत्पन्न हुई व्यवसायिक गतिविधियों में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया है। कहा है कि सरकार के अव्यवहारिक दिशा निर्देशों के चलते पर्यटन व्यवसाय में पूर्ण रूप से विराम लग गया, जिससे भविष्य में बेरोजगारों का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। व्यवसायियों को आ रही समस्याओं पर संजीव वार्रा ने कहा है कि नैनीताल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान और पर्यटन गतिविधियों पर यहां का व्यवसाय निर्भर है। जल्द ही व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कोविड 19 के चलते बहुत सारी विषम परिस्थितियां हम सबके सामने हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग उसमें प्रभावित भी हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारे नैनीताल क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे व्यापारी बंधु भी इससे प्रभावित हैं। हमने आज उनकी जो बहुत सारी व्यवहारिक मांगे हैं, कुछ मांगे ऐसी हैं कि जो जिला स्तर पर निस्तारित हो सकती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके लिए शासन के द्वारा उन समस्याओं को निस्तारित किया जा सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बदहाल क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि कोविड मरीजों के इलाज में WHO द्वारा जारी मानकों का कितना अनुपालन किया जा रहा है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट 17 सितंबर तक कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 सितंबर की तिथि नियत की है। आपको बता दें हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर कर कहा था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 अस्पतालों को कोविड 19 के रूप में स्थापित किया, लेकिन इन अस्पतालों में कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है, जिसके चलते देहरादून निवासी सचिदानंद डबराल ने भी उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। आज माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो जो कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उत्तराखंड में, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के जो मानक हैं और जो रिपीटेड गाइडलाइन WHO ने इशू की है, उनका कितना अनुपालन राज्य में किया जा रहा है, इनके संबंध में डिटेल्ड एफिडेविट राज्य सरकार को 17 सितंबर तक कोर्ट में फाइल करना है। नैनीताल हाईकोर्ट ने न्याय के देवता अल्मोड़ा के चतई गोलजीओ मंदिर में जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा गठित कमेटी ने मंदिर की समस्त गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए पर्यटन सचिव सहित जिलाधिकारी अल्मोड़ा को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। आपको बता दें अल्मोड़ा निवासी संध्या पंत ने हाईकोर्ट में विशेष अपील कर कहा था कि चतई गोलजीओ के मंदिर में पूर्व में कोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद जिलाधिकारी द्वारा कमेटी गठित की गई है, जो अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर मंदिर की गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही है, जबकि पूर्व में कोर्ट ने कमेटी का गठन केवल गैर धार्मिक मैनेजमेंट गतिविधियों के लिए करने को कहा था। साथ ही साथ कमेटी अब मंदिर के पुजारियों को भी छटनी करने लगी और कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। कोर्ट का कमेटी गठित करने का मुख्य उद्देश्य मंदिर की गैर गतिविधियों को संचालन करने हेतु किया गया था, ना कि मंदिर की धार्मिक कार्यों के लिए किया गया था। न्याय देवता गोलू मंदिर चितई में जो कमेटी गठित की गई है जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा, जिसमें कि राज्य सरकार के ही विभागों के प्रतिनिधि रखे गए हैं, उसके संबंध में अपील पुजारी परिवार की ओर से दायर की गई थी और उसमें बताया गया था कि इसी परिवार ने इस मंदिर की स्थापना की है, और जबकि ऑनरेबल डिवीजन बेंच की डायरेक्शन थी कि सिर्फ गैर धार्मिक गतिविधियों के मैनेजमेंट के लिए कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन कमेटी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मंदिर की धार्मिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है।
रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर देर रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रास्ते में ही एक युवक ने दम तोड़ दिया तो वहीं एक ने उपचार के दौरान आज सुबह दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के खेड़ा कॉलोनी निवासी युवक ओहाब और उसका मित्र अनिल किसी काम के लिए रुद्रपुर से काशीपुर रोड की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दोनों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ। काशीपुर रोड पर जो प्रेम आश्रम है उसके पास एक ट्रक से एक रॉन्ग साइड से आती हुई मोटरसाइकिल टकरा गई थी, जिसमें दो लोग सवार थे जो घायल हो गए थे। कल रात 8:30 बजे की बात है, जिनको तत्काल हम पुलिस वालों की मदद और 108 की मदद से हॉस्पिटल ले आए थे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज़ का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल के भीमताल झील में 28 वर्ष विवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची भीमताल पुलिस ने गांव नाव की मदद से महिला के शव को झील से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि महिला मंगलवार से लापता चल रही थी, जिसके बाद आज महिला का शव भीमताल झील में मिला। झील किनारे महिला के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों से महिला की शिनाख्त कविता देवी 28 वर्ष निवासी धर्माड द्वारहाट के रूप में कर ली गई है। थानाध्यक्ष कैलाश जोशी ने बताया है कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र के तहसील मुंसियारी बांगापानी एवं धारचूला क्षेत्र में आई भीषण आपदा से जन व पशु हानि के साथ जनजीवन प्रभावित हो जाने के बाद क्षेत्र में लगातार खोज बचाव एवं राहत कार्य जारी है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगझंडे ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों का संचालन करवाया है। बता दें कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से तहसील बांगापानी के विभिन्न गांवों में फंसे व्यक्तियों को निकाले जाने हेतु रेस्क्यू कार्य लगातार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर द्वारा बांगापानी से घायल महिला कलावती देवी को धारचूला पहुंचाया गया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में उनका उपचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि तहसील मुंसियारी बांगापानी व धारचूला के आपदा प्रभावित क्षेत्र के सभी प्रभावित गांवों में राहत एवं बचाव कार्य के साथ ही अन्य कार्य तेजी से किए जाएं और क्षति का भी आकलन करके रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए। उत्तराखंड में इन दिनों लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने भी हाल ही में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया था, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर आ गई है। साथ ही साथ एसडीआरएफ के
KIG संजय गुंजियाल का कहना है कि SDRF की टीम पूरी तरीके से तैयार है और सभी को अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिए गए। बनाया था और जनपद देहरादून के सहयोग से, तो जनपद के द्वारा अब उसे टेक ओवर बनाया था और जनपद देहरादून के सहयोग से तो जनपद के द्वारा अब उसे टेक ओवर एक कोविड पॉजिटिव पे लगभग आज जो अनुपात आ रहा है लगभग 6 लोग हम लोग रिस्क में रख रहे हैं, और जो अभी जो हाई रिस्क के जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें 100 में से करीब 30 लोग ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य है वो इसके संक्रमण के रोकने में काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। आज से CSC केंद्रों में श्रमिक कार्ड बनाए जाने की सुविधा शुरू हो गई है, जिसके लिए राजीव गांधी पंचायत राज संगठन एवं कांग्रेस NSUI व किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डोईवाला तहसील व अन्य CSC में पहुंचकर मिष्ठान वितरण करके खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता डोईवाला में ही श्रमिक कार्ड बनाए जाने की मांग कर रहे थे, साथ ही साथ लगातार आंदोलनरत थे कि गरीब लोगों को डोईवाला से देहरादून लगभग 20 किलोमीटर दूर श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए जाना पड़ता है और 180 रुपए की जगह दलालों को 1000 से 1500 रुपए देने पड़ते हैं और उन्हें मजबूर होना पड़ता है, जिसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं डोईवाला में भी श्रमिक कार्ड बनाने की मांग कर रहे थे। पर आज डोईवाला में ही सुविधा शुरू होने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। काफ़ी समय से मुझे लग रहा है जो यहाँ के स्थानीय लोगों के जो बेसिकली में जो श्रमिक हैं उनकी डिमांड थी कि उनको अभी तक श्रमिक जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको बनाने के लिए देहरादून जाना पड़ता था, तो अब शासन के निर्देश के क्रम में या श्रम विभाग के निर्देश के क्रम में जिनका कर्मकार कल्याण बोर्ड है उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो हमारा सभी CSC है वहाँ पर भी ये लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड कोई भी श्रमिक अपना बना सकता है। कोरोना से पीड़ित लालकुआ कोतवाली का स्टाफ आखिरकार ठीक होकर अपने काम पर लौट आया है। 30 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आए थे और सभी का इलाज भी चल रहा था। कई दिनों तक कोतवाली का गेट बंद रहा, अंदर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया था। तमाम लोगों को कोतवाली के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में आज सारा स्टाफ ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुका और फरियादियों की बातें भी सुनी जा रही है। कोतवाली में जहां कुछ दिनों पहले कोरोना की चपेट में करीब 30 से ज्यादा कर्मचारी आ गए थे, ऐसे में जहाँ इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा से लेकर सिपाही तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी थे पुलिस के वो सभी कोरोना की चपेट में थे। किसी को क्वारंटाइन कराया गया, किसी को सुधा तिवारी अस्पताल भेजा गया, किसी को कहीं और भेजा गया। ऐसे में करीब 30 दिनों की ये पूरी जंग जीतने के बाद आखिरकार कोतवाली लालका का तमाम स्टाफ आज अपने काम में वापस आ गया है। ऐसे में आप देखना होगा कि कोरोना की चपेट में और कोई पुलिसकर्मी ना आए जिससे क्षेत्र का माहौल और शांति व्यवस्था खराब हो। आखिरकार पूरे ही मुस्तैदी के साथ इस कोरोना की लड़ाई लड़ने के बाद सारा स्टाफ अपने काम में वापस आ गया है और जनता भी इस टाइम पे अपनी अपनी फरियादें लेके अधिकारी और कर्मचारी को आ रही है और तमाम स्टाफ उनकी बातों को सुनकर उसका निराकरण भी कर रहा है। उमेश पंत, KNews। उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर नगर निगम के मेयर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब रुद्रपुर नगर निगम के मेयर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग सहित शहर में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही मेयर का गनर भी पॉजिटिव आया है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कर दिया, साथ ही साथ अब नगर निगम भी स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग कर रहा है। इसके साथ ही मेयर के एक सप्ताह की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल राम जन्मभूमि पूजन के मौके पर रुद्रपुर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें मेयर ने कल शहर के 3 कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया था, जिसमें 3 दर्जन से अधिक लोगों को ट्रेस किया जा चुका है। नागेंद्र से भी हुई, इससे भी हुई।
जैसे ही आप लोगों को विदित है, आज जो है यहाँ हमारे नगर निगम के प्रथम व्यक्ति मेयर साहब जो है कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं, जो हमारा इंटेलिजेंसी टेस्ट हुआ है। मैं रुद्रपुर के सभी जनता से ये अपील करूँगा कि आप लोग जो भी मेयर साहब के संपर्क में आए, आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए और हम लोग को इन्फॉर्म दीजिए ताकि हम उनकी सैंपलिंग कर पाएं। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जीजीएस एजुकेशन ग्रुप लॉन्चेस 20% डिस्काउंट ऑन एकेडमिक फी ऑफ कोर्सेज एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीएफएसआई एंड जीएम, डीफार्मा, बीफार्मा। ऑफर्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बेस्ट एकेडमिक सर्विस एंड बेस्ट प्लेसमेंट सर्विस। Register today to avail 20% discount. Call 9971496497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात सजग।